खिलाओगी? ये इंसानियत है, ये शराफत है। नाराज़ थे उस दिन पर जिस दिन मैं उसके साथ मैसूर गई थी। क्यों? उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। आदिल भाई से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, माफ करो मुझे। जो उस लड़की की मन गलत बातों में आकर, मन गलत कहानी पर विश्वास करके उसके साथ मैं मैसूर गई, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। सोचा आदिल भाई से बेहतर चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला उस लड़की को जिंदगी में कभी नसीब नहीं होगा। पैर पड़े हो आदिल भाई के, माफी मांगी अपने गुनाहों के लिए। बहुत दुख हो रहा है मुझे, रोने का मन कर रहा है। मतलब जो सोचा था, जितना सोचा था बहुत कम था। मालूम था मुझे कि माँ की मैयत में वो गई थी बबूतरी बटोरने के लिए, सूखियाँ बटोरने के लिए। अब जब पता चला सारी आंटी 3 बजे के लगभग गुजर गई थी और मैडम कब जाती है? अस्पताल कब जाती है मैडम? रात के 8 बजे। क्यों? क्योंकि मीडिया उस वक्त आई थी। यानी जब मीडिया मौजूद होती है तभी उसके जज्बात उभर के निकलते हैं। क्यों ऐसा? उनकी माता श्री से मैं मिली थी बिग बॉस में, जब अमिताभ बच्चन जी होस्ट थे। आपको बता दूं कि इतनी नेक नेक दिल इंसान थी वो। अगर उनकी 1% अच्छाई भी इस लड़की में आ जाती ना, तो ये गजब की इंसान बनती। लेकिन अफसोस, अफसोस की माँ की अच्छाई इसमें नहीं आई। आप सोचो जरा, सवेरे अपने होटल रूम में तैयार हुई थी मैं, अचानक एक के बाद एक मीडिया वालों के फॉरवर्ड कर रहे थे व्हाट्सएप पर। भाई कुछ मुंबई में चेक किया, देखा अरे आदिल भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आदिल भाई? शादीशुदा होते हुए शादी करी आदिल भाई से? क्या ये मजाक बना कर रख दिया शादी को? फिर मीडिया के सामने आकर बोलते कि लोग मेरी नकल करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे। अरे भाई, हर 2-3 महीने बॉयफ्रेंड कौन बदलता, शादी कौन करता? मजाक है क्या? जज्बातों की बैंड बजा कर बजा दी लड़की ने। मतलब जज्बात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसकी दुनिया में। अरे भाई, वो बात करते हुए देखकर मेरा दिल पसीज गया। अरे स्टीलिंग पुलिंग बाजू में रखो, एक इंसान है वो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनाया, अपने दिल की रानी बनाया। क्या मिला उसको? चूना मिला। जेल जेल की हवा नसीब हुई उसको। ऐसी किस्मत किसी को ना मिले बाबा। लोगों क्या मैसेज देना चाहते हो मैम आदिल और राखी जी के लिए? मैं आदिल भाई से बहुत जल्द मिलना चाहूँगी, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी इस बात के लिए कि उस लड़की की मनगणित कहानी पर विश्वास करके उसके साथ मैं गई थी मैसूर, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। दूसरी बात यह है कि मेरी मुलाकात सबसे पहले आदिल भाई से हुई थी अम्बुली पुलिस चौकी में, जहाँ मैं गई थी उस मर्डर मॉब के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। जब आदिल भाई मेरे पास आए, ये नहीं बोला अरे शगन मजा आ गया, आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करी, अब आप उसको जेल के सलाखों के पीछे बंद करा दो, ऐसा नहीं बोला। बोला माफ कर दो बहन, उसको माफ कर दो, सरफिरी है, बददिमाग है, पागल है, माफ़ कर दो, मेरे खातिर माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी गुनाहों के लिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा बोला। अब बताओ उस लड़की का कसूर क्या है? कसूर ये कि उसने एक सरफिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी, ये उसका कसूर है। भुगत रहा हूँ अभी, दिल दुख रहा मेरा, कल मिलूंगी मैं उनसे। अरे एक बात बताओ मुझे, जब वो लोग हम बिस्तर होते हैं मालूम नहीं चलता क्या कि रायता गंजा है कि नहीं है? हाँ, 1-1.5 साल
साथ में बिताने के बाद लड़की बोलती है, अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर गंजा है। झूठ मत बोल बहन, झूठ मत बोल। हम बिस्तर होते वक्त समझ में नहीं आता क्या कि लड़की के सर पर बाल है कि नहीं है? हाँ, हाथ नहीं जाता सर के ऊपर। इतना बड़ा झूठ और उसके गंजेपन पर हंसी आ रही इसको। हाँ ठीक है भाई, होते लोग गंजे होते तो दिल देख उसका, कमी से बात करता, वो मोहब्बत करता एक नालायक से। दिन दुखा मेरा, भाई से मिलूंगी मैं बहुत जल्द। क्या करो अगर अच्छी शादी को शादी कर दी उसका पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। उसने क्या क्या नहीं बोला आदमी भाई के बारे में, बलात्कारी है, ये है, वो है। हाँ और जब मैंने आदिल को आदिल भाई बोला, अरे शर्दिल उसको भाई मत बोल, क्यों ना बोलूं? नहीं वो भाई बोलने के लायक नहीं है। अरे क्यों नहीं है लायक? हाँ लायक है नहीं है ये बात कौन तय करेगा? तू तय करेगी, सर्टिफिकेट तेरे पास दे देंगे। क्या है ये, जज्बात की कदर नहीं है, मैरिज की कदर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो कहीं कुछ ही नहीं। शर्म करो,